नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का फोर्थ लेक्चर है। तीन लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक, इन तीनों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो ये सरकार की योजनाएं हैं ये स्टूडेंट के किस काम आती हैं। एक विद्यार्थी या सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कॉलेज नहीं जा सकते, जो हैंडीकैप होते हैं, अपाहिज होते हैं, वह भी किस तरीके से अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वयं को देखते हैं, स्वयं क्या होता है। आज के सूचना संचार के युग में हमारी शैक्षिक व्यवस्था को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन सूचना संचार आधारित सेवाएं और यंत्र तथा उपकरण महंगे होते हैं। उपकरण की गुणवत्ता उचित तो एक ही सूचनाओं को कई स्तरों पर कई माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों तथा संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, जिनके पास साधन नहीं है, वह विद्यार्थियों के बीच ज्ञान अर्जन के बीच में जो अंतर है, यानी एक शहरी विद्यार्थी और ग्रामीण विद्यार्थी में जो एजुकेशन का अंतर होता है, उसे दूर किया जा सकता है। इसे डिजिटल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है कि नवीन शिक्षा नीति के अनुसार डिजिटल डिवाइस की समस्या को दूर करने के लिए स्वदेशी विकसित आईटी मंच, जिसे हम स्वयं कहा जाता है, का विकास किया गया है। स्वयं एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वीडियो व्याख्यान, अध्ययन सामग्री, परीक्षा प्रश्न और शंका समाधान आधारित विभिन्न प्रकार के विषयों को ऑनलाइन विचार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1000 शिक्षकों का एक विशेष पैनल तैयार किया गया है। इसमें 1000 विशेष टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए। इसमें वीडियो, ऑडियो, मल्टीमीडिया जैसे नवीन साधनों का उपयोग किया जाएगा और इसमें देश के कई शैक्षिक संगठन जैसे NCERT है, इग्नू है, NIUS है, CEC है इत्यादि संसाधन मिलकर इसके पाठ्यक्रम का निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। स्वयं विद्यार्थियों के लिए एक निःशुल्क कार्यक्रम है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। इच्छुक विद्यार्थियों को अपना पंजीकरण कराकर इसका लाभ ले सकते हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, घर पर रह करके कॉलेज नहीं जा सकते, तो वह अपना पंजीकरण फिल करके एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, यानी चलाते हैं। इसमें स्नातक और परास्नातक, इंजीनियर, विधि, चिकित्सा और सभी प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019 में स्वयं के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है 2019 में। इसके बाद देखेंगे स्वयं प्रभा क्या होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर 32 डिजिटल टीवी चैनलों के माध्यम से IIT, इग्नू इत्यादि के विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम स्वयं प्रभा है। इसकी क्या विशेषता है? फर्स्ट, स्वयं प्रभा के अंतर्गत सभी मानविकी संसाधन जैसे इंजीनियर, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, वाणिज्य तथा कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों को टेलीविजन चैनल के द्वारा पारित किया जाएगा। सेकंड है, 4 घंटे तक प्रसारित होने के बाद इस कार्यक्रम की परिभाषा, यानी कि जो भाषा है, लैंग्वेज इंग्लिश है, कृषि क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभ की जाएगी। थर्ड है, इसके अंतर्गत बच्चों को वीडियो के साथ साथ विषय विशेषज्ञों द्वारा 3 इंटरैक्टिव लेक्चर भी दिए जाएंगे के बाद
टेलीफोन फ्री नंबर पर फ़ोन करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। यानी कि जिस भी छात्र को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है प्रसारण के माध्यम से, तो वह अपने टेलीफोन से फ़ोन कर करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकता है फ्री में। फोर्थ है, स्वयंप्रभा योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय विषय विशेषज्ञों के नियुक्त करेंगे, मतलब जो टीचर होंगे वह मानव संसाधन ही नियुक्त करेगा अच्छे टीचर हो पढ़ाने के लिए, जो कि छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध भी कराएंगे। फिफ्थ है, स्वयंप्रभा भारत सरकार की वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई डिजिटल सजीव प्रसारण योजना है। इसे 2017 में लागू किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। टेली एजुकेशन तथा टेक्नी कम्युनिकेशन आधारित शिक्षा व्यवस्था भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक रूपता लाएगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन, ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच में अंतर अर्थात डिजिटल की समस्या भी दूर हो जाएगी। जो शहरी ग्रामीण में जो समस्या होती है वह भी इसी समस्या से दूर हो जाएगी। अब देखेंगे मूक सूचना संचार आधारित बहुउद्देशीय बहुत उपयोगी माध्यमों के विकास ने नए नए उपकरणों यंत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। इन्हीं दोनों के समायोजन से 21वीं सदी में घर बैठे कई विद्यार्थी, एक कक्षा के विद्यार्थी एवं विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के समूह अर्थात कई हज़ार लाख विद्यार्थियों के समूह का आपस में ओपन ऑनलाइन जुड़ाव, इसे MOOC कहलाता है। यह शिक्षा का क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंच है। यह बहुत बड़ा वैश्विक मंच होता है, इसमें कई सारे विद्यार्थी ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस मंच में छात्र और शिक्षकों के बीच एक बेहतर गठजोड़ स्थापित होता है, संबंध अच्छा होता है। कोई भी विद्यार्थी डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से विश्व के संबंधित वैश्विक के सर्वोच्च शिक्षक से जुड़ सकता है। यानी कि एक विद्यार्थी इस MOOC के माध्यम से अच्छे टीचर से जुड़ सकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष जुड़े या अप्रत्यक्ष से। विद्यार्थियों के किसी प्रकार का विरोधाभास तथा पूर्वाग्रह नहीं किया जाएगा, मतलब कोई विद्यार्थी जुड़ना चाहता है किसी टीचर से तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं किया जाएगा, रोक टोक नहीं है। इससे वह अपनी बात या विचारों को बिना रुकावट कह सकता है, बिना झिझक के अपनी बात को अपनी रख सकता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या समाधान चाहिए। वह भी निःशुल्क बिना शैक्षिक स्वतंत्र विचारों के विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। हाल के वर्षों में ओपन ऑनलाइन कोर्सों को विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों दोनों के लिए सुविधाजनक माध्यम बनाया गया है और इसकी पहुंच भी व्यापक है, सर्वांगीण व्यापक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्वयं क्या है, स्वयंप्रभा क्या है और MOOC क्या है। इनसे हमें कितनी कितनी फ़ायदा होती है, हम घर बैठे अपनी शिक्षा को पारित कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपाहिज है, हैंडीकैप है, नहीं जा सकते किसी कारणवश और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वह भी अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रख सकते हैं। तो अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।